हिंदुस्तान न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। खबर, बाबल में शान से लहराया तिरंगा, शहीदों की बदौलत आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं हम। एसडीएम बाबल, 15 अगस्त, भारत आज अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी ही धूमधाम वो हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बाबल विधानसभा में स्वतंत्रता दिवस पर एसडीएम संजीव कुमार ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। संजीव कुमार ने कहा कि आज हम शहीदों की बदौलत आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को शहीदों की शहादत से प्रेरणा लेते हुए देश की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए उनके पद चिन्हों पर चले। उन्होंने कहा, आज देश में कोरोना संक्रमण जैसी घातक बीमारी पांव पसारे हुए हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए हमें कोविड-19 प्रोटोकॉल नियमों का सफाई से पालन करें। है और जो हम आज खुली हवा में घूम रहे हैं वो इस आज़ादी के कारण ही हम खुला आसमान के नीचे सांस ले पा रहे हैं। सर, आज 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, इस बारे में क्या कहेंगे? ये सर्वविदित है कि हमारा जो राष्ट्रीय पर्व जो है बड़े धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया, और आपने भी देखा होगा कि जन सैलाब जो था पूरा ही राष्ट्रीय भक्ति में रंगा हुआ था। सर, आज की नई पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज की नई पीढ़ी को हम ये कहेंगे कि जैसे कभी जैसे कोरोना महामारी चल रही है, तो उसमें जो है सामाजिक दूरी और मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हुए इस बीमारी को हराना है। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में 75वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। विभिन्न स्थानों पर सरकारी एवं निजी संस्थानों में ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपखंड स्तर पर कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी द्वारा ध्वजारोहण किया गया। आमजन ने घरों पर रहकर ही धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया। सरकार की एडवाइजरी के चलते कहीं भी स्वतंत्रता दिवस पर बड़े कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया गया था। भारत माता की। भाजपा सशक्त